हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। गुरुवार सुबह 8:45 पे मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आखिरी वक्त में उनके साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर मौजूद रही हैं। उनका अंतिम संस्कार शाम 4:15 के आसपास होने वाला है। इसमें आलिया भट्ट और रणवीर कपूर समेत 24 लोग ही शामिल हो पाए थे, बिकॉज वहां पे पुलिस लगी हुई थी और ज़्यादा लोगों को जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनकी बेटी रिद्धिमा नहीं पहुंच पाई थी। रिद्धिमा ने मुंबई जाने की पूरी कोशिश करी थी, अपनी कार तैयार कर ली थी, साथ ही साथ प्राइवेट जेट तैयार कर लिए थे, लेकिन पुलिस ने उनको जाने का अनुमति नहीं दिया, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी और भीड़ की वजह से पुलिस नहीं चाहती थी कि मुंबई में हालात कोरोना वायरस के काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पुलिस को लगा कि अगर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो कोरोना वायरस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए पुलिस ने रिद्धिमा को दिल्ली में ही रोक दिया और अपने पिता को अंतिम संस्कार के शामिल नहीं होने दिया। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे इसमें आलिया भट्ट और रणवीर कपूर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इमोशनल हो गए थे और दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी स्थित शव ग्राम में हुआ था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कुल 24 लोगों को मुंबई पुलिस ने इजाज़त दी थी। 19 लोग परिवार के थे और 5 लोग करीबी शामिल हुए थे। इनमें ऋषि कपूर की बहन रीमा जैन, जीजाजी मनोज जैन और पत्नी नीतू कपूर थी और अरमान जैन थे, और इनका सभी परिवार जो मेन थे आलिया भट्ट के साथ रणवीर कपूर भी शामिल हुए थे। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार दोस्तों 4:15 पे कर दिया गया है। ऋषि कपूर पंच तत्व में विलीन हो गए थे। इसमें से इनके पूरे के पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। जी हाँ दोस्तों, सदी के महानायक थे और रोमांटिक फिल्म के बादशाह थे। इनको रोमांटिक फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी और रोमांटिक फिल्म काफ़ी ज़्यादा करते थे। साथ ही साथ दोस्तों, इन्होंने जो नाम हासिल किया है, जो काम किया है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया है। हमें काफ़ी ज़्यादा दुख है कि बॉलीवुड के जो एक बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनकी मृत्यु हो रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कल इमरान खान की मृत्यु हुई थी। ठीक एक दिन बाद 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि हमारे सदी के महानायक आपके बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर की मृत्यु हो चुकी है। आपका ऐसी मौतों के बारे में क्या कहना है, आप हमारे वीडियो पर कॉमेंट करके ज़रूर बताना। हालांकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि ऋषि कपूर की मौत किस प्रकार से हुई है, तो आइए हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ऋषि कपूर को कैंसर था। कैंसर का इलाज कराने के लिए ऋषि कपूर 1 महीना पहले लंदन में थे, लेकिन दोस्तों लंदन में भी इनका इलाज ठीक प्रकार से नहीं हो पाया था, बिकॉज इनका जो कैंसर है वो 3rd स्टेज पर पहुँच गया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 3rd स्टेज में कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से इनके कैंसर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता गया और आज गुरुवार 30 अप्रैल 2020 को 8:45 पे इनकी मृत्यु हो गई, जो कि काफ़ी यहाँ पे दुख की बात है। तो आपको क्या कहना है हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो के नीचे रिप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।